इनके। अब यहां पर आप हम बात करते हैं तो अभिकारक कौन सा उठाएंगे? अभिकारक उठाएंगे जिस अभिकारक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसका उल्टा वो क्या है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हिंदी में बोला जाए तो ये क्या होता है हमारा ऑक्सी कारक। अब मैंने ऑक्सीकारक हो गया और दूसरा क्या हमारा H2 पूरा पूरा उठा दो आप, ठीक है, तत्व नहीं उठा रहे पूरा पूरा उठो, ये क्या हमारा अब J, ठीक है, प्रोडक्ट साइड, उत्पाद की साइड तो देखना ही नहीं है। जब हमको ये दोनों चीजें निकालनी है, पहली चीज तो हम किस साइड देखना है, अभी कारक, ये तो हमको सर सीधा सीधा पता चल रहा है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, ऑक्सीकरण संख्या से फट से पता चल रहा है कि कौन सा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और उसी के बेस पर हम ये बता पाएंगे, ठीक है, ये चीज आई सब में। अब इसके लिए तो थोड़ा सा बातें जान लो, वह यौगिक, सुनना सुनना, जब हम बात करते हैं ऑक्सीकारक की, वह यौगिक है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, समय दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है, ऑक्सीकृत करने के लिए मतलब दूसरे को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और जब दूसरे में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसका क्या होगा, यहां पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था तो उसने दे दिया, किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुड़ी तो उसका क्या हो गया, इससे ऑक्सीजन चली गई, खुद का क्या करवा लिया इसने, रिडक्शन कराया, ध्यान से समझना ये वाली बात, ठीक है, दोनों बातें कहां चल रही है। अब वही चीज है, इसको हमने क्या बोला, अब चेक, यह वो यौगिक है जो दूसरे का क्या करवा रहा है, अपचरण, ठीक है, यानी रिडक्शन करवा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को हाइड्रोजन देगा, जब दूसरे को हाइड्रोजन देगा उसका क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन का योग होगा, जब उसके अंदर हाइड्रोजन का योग होगा, अनिशा बेटा क्लियर नहीं आ रहा, अनिशा बेटा सभी को क्लियर दिख रहा है, अनिशा बेटा ये सब मैंने आपने यस किस लिए बोला है, समझ में आ रहा है इसलिए बोला है, या फिर क्लियर बोर्ड क्लियर नहीं है इसलिए बोला है, ओके थोड़ा सा टाइम दो, ये अभी क्लियर हो जाएगा, पहले आप सुन लो तब तक, ठीक है, तब तक आप समझ लो, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा तब तक कम लिखने की कोशिश करो, सुनो, तो मैं क्या बता रहा था आपको, वह यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दूसरे का क्या करेगा, उपचरित कराएगा, करता है, और स्वयं का क्या कर रहा है, स्वयं को ऑक्सीकृत करता है, वो क्या होते हैं, अपचायक, ठीक है, अब आप समझे, सब सिंपल वर्ड में, सबसे सीधी भाषा में अगर हम बात करें, ऑक्सीकारक सर खुद का नाम का उल्टा, यानी रिडक्शन कर रहा है, उपचयन कर रहा है, अपचयक नाम का उल्टा, ये अपना ऑक्सीकरण करेगा, ठीक है, अपना स्वयं का, ठीक है, अभिक्रिया के अंदर अगर कोई अभिक्रिया दे रखी है और हमको पता करना है किस कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचयक है, पहला काम हम उस रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया के अंदर क्या लिखेंगे, उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे, जैसे ही हम उसको ऑक्सीकरण संख्या लिख ली, हमको ये पता चल जाएगा किसकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आ रहा है, जिसकी में बदलाव आएगा, जिसका कम हो रहा है वो रिडक्शन हो गया, जिसका ज्यादा हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो गया, वैसे ही पता चलेगा उसमें। अब अभिकारक की ओर देखेंगे कि किस यौगिक का, यानी जो किस तत्व है, तत्व का ये रिडक्शन हो रहा है, तो उसमें योगी क्या है, वो किस योगी के अंदर वो तत्व है,
तो उसी तत्व को उठाएंगे और हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि वो क्या है, अभी कारक है। ठीक है, ये बात समझ में। अब एक और बात याद रखना, एक और चीज, मैं एक और रिएक्शन आपको अभिक्रिया लिख के बताता हूँ, और उसमें आपको एक और बात दर्श लेगी कि कोई एक यौगिक ही ऑक्सीकारक भी हो सकता है और अपचयक भी हो सकता है, एक ही यौगिक। अब बोलो निशा बेटा, पे हमें पता था सबका ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसे एलिमेंट आ गए तो जैसे हमें नहीं पता उनका कंफर्म, तो फिर क्या करेंगे? निकाल लेंगे, निकालना भी मैंने सिखाया आपको। यस सर, सुनो, तो निकाल लेंगे उनका, जिसका नहीं पता उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही चीज हमारा फायदा करेगी। तभी मैंने आपको पहले निकालना सिखाया, फिर मैंने आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब कोई सारे, अब जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, जब आगे चलोगे तो आपको कई सारे आपको पी ब्लॉक तत्व यानी यौगिक पढ़ने होंगे। जब सीधा सीधा बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या अभिकारक है, ये मेरा अपचयक है, सीधा सीधा बोलेंगे। उसके बारे में भी हम जानते हैं दो बातें, और हमने पीछे अभी क्या पढ़ा था, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, उनसे भी हमको इन दोनों के बारे में कुछ बातें पता चलती है। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। पहले हम एक और अभिक्रिया देख लेते हैं जिसमें एक ही यौगिक किसकी तरह बेहतर करेगा, अभिकारक की तरह और अपचयक की तरह। ठीक है, मेरा सबसे फेवरेट तो क्या होता है, आप सब ये वाले रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते पहला काम तो आपको पता करना है कि ये जो हमारे पास अभिक्रिया दे रखी है, क्या ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, पहला काम तो ये आप पता करो। पंकज, उसके बारे में हम जब पूरा रेडॉक्स पढ़ेंगे, रेडॉक्स चैप्टर के लिए तो कुछ छोड़ दो, उसमें क्या पढ़ोगे फिर, सारे यहीं पे पढ़ लोगे तो। ठीक है, औसत ऑक्सीकरण संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे, बट उसके बारे में बाद में, नहीं तो अभी जितनी बातें बताइए सारे से ज्यादा बातें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सबर रखो, सब चीजें आएगी। सोचो, आराम से देखो है या नहीं है, है? बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे जब इनकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, अनिशा बेटा क्यों नहीं है, अनिशा बेटा बताओ ये ऑक्सीकरण संख्या क्यों नहीं है सर? इनकी ऑक्सीडेशन बस मतलब चेंज नहीं हो रही, वही है, चेंज नहीं हो रही। चलो मैं इनको ऑक्सीकरण संख्या लिखता हूँ, फिर आपसे मैं दोबारा से पूछा जाएगा, आप मेरे को बता दो। प्लस वन, प्लस फाइव, माइनस टू। सर मैंने अलग अलग लिख दिया। क्या क्या अलग लिखा है आपने बेटा? पोटेशियम की प्लस वन, क्लोरीन की माइनस वन, एंड ओ थ्री की माइनस टू कर दिया। देखो जब भी याद रखना, क्लोरीन की आम तो जब वो क्लोराइड में हो, जैसे यहाँ पर क्लोराइड में था तो माइनस वन लिखा, यहाँ पे तो क्लोरेट में है, और ऊपर से क्लोरीन के साथ में एक और विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन की निकाल लोगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था जब भी मैं हैलोजन पढ़ा रहा था, हैलोजन परमाणु के अंदर मैंने क्या बोला था, जब भी हैलोजन के साथ में कोई ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व तो जुड़ा हो, तब हम उसका क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव में आती है। ठीक है, ऋणात्मक में आती है। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि किस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तत्व का रिडक्शन हो रहा है, किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस तत्व का अपचयन हो रहा है। बताओ किसका हो रहा है, पांच से माइनस एक पर गया है कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, सर कम हो रहा है, जिसका कम होता है उसका रिडक्शन होता है,
और इसका बढ़ जाएगा तो ये ऑक्सीकरण होगा इसका, ठीक है। अब दूसरी बात सर, इसके अंदर तत्व तो एक ही है, इसको मैंने ऐसे संतुलित किया गया, संतुलित करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा अभिकारक, अभिकारक एक ही है, अभिकारक के अंदर अलग अलग तत्व का क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, यानी ये एक ही यौगिक कैसे बिहेव कर रहा है, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीकारक और अपचयन की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे ना सर? बिल्कुल, यहाँ पर बात क्लियर हुई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीकारक और अपचयन अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने ये वाली रिएक्शन करवाई आपको, एक बार इसको समझ लो, लिख लो, फिर मैं आपको सर एक बार रिपीट करना, ठीक है। मैंने ये बताया सर जी बेटा कि जो हमारा ऑक्सीकारक है और अपचयन है, जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग यौगिक हो, किसी अभिक्रिया के अंदर एक ही यौगिक किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीकारक की तरह और अपचयन की तरह, अपचयन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, दोनों के गुण शो कर देगा, बताएगा, क्लियर सर? ये अभिक्रिया बोल रहा हूँ, ये अभिक्रिया, यस सर, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें क्या आपको नहीं समझ आया था सर? इसमें कौन है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों एक ही तरह, एक ही अभिकारक है इसमें, तो इसमें तो एक ही अभिकारक है, हमको देखेंगे तो उत्पाद को तो भूल जाएंगे, उत्पाद को भूल गए तो हमारे पास बचा क्या है, एक ही अभिकारक है और एक ही अभिकारक के अंदर अलग अलग तत्व है जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो जब हम ऑक्सीकारक और अपचयक जानते हैं तो हम तत्व को नहीं देखते, यौगिक को देखते हैं, यौगिक को उठाएंगे, तो यौगिक तो एक ही है, तो यही एक यौगिक दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह और अपचयक की तरह, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर KCLO3 ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका सभी को, यहां तक बातें क्लियर होगी बेटा? ठीक है, अब इसके बारे में बातें जान लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी बातें आपकी उठा के मैं कई सारे चैप्टरों में जोड़ूंगा, इन्हीं दोनों की बात होता वहां, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो, अगर नोट हो गया तो मैं इसको इरेज कर दूं। डन सर। डन बेटा, ओके बेटा, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे अधिकतम और न्यूनतम, उसके बारे में भी दो बातें आप जान लोगे, इससे भी कुछ बातें हमको इन दोनों के बारे में पता चलती है, ठीक है। अभी हमने जाना जो रेडॉक्स रिएजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, वो रिडक्शन शो करते हैं, और जो ऑक्सीकरण शो करते हैं, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, जब हमारा केंद्र परमाणु, हमारा कोई भी परमाणु होगा, ठीक है, किसी भी यौगिक के अंदर अगर उस यौगिक परमाणु का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, क्या है, यानी ये हमारी क्या है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए मैक्सिमम, ठीक है। अब अधिकतम है
तो एक बात बताओ, क्या इससे ऊपर संख्या जा सकती है ऑक्सीकरण संख्या की? नहीं जा सकती ना। तो कोई भी तत्व जिसके अंदर वो प्रेजेंट होगा, क्या वो अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा सकता है या सिर्फ और सिर्फ घटाएगा? हमेशा बढ़ा तो सकता नहीं है, क्योंकि सबको खुद ही अधिकतम है, तो इससे ऊपर तो वो जा नहीं सकता, नीचे ही जाना पड़ेगा उसको। यही बोलता जा रहा है, ऊपर जाएगा नहीं, और जो ऊपर नहीं जाएगा यानी अधिकतम वाले का, सिर्फ और सिर्फ वो अपना ऑक्सीकरण संख्या को कम कर सकता है। यही कह सकते हैं, अधिकतम है सर, ऊपर छत पे लग गया, छत से नीचे ही आ सकता है, ऊपर जाएंगे, और जिसकी ऑक्सीजन संख्या घटेगी वो कौन होते हैं? अपचयन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्या शो करेगा सर? अपचयन ही, बस केवल अपचयन ही शो करेगा, और जो अपचयन शो करते हैं वो कौन होते हैं? यानी ये जो तत्व होंगे, ये सारे के सारे तत्व कौन होंगे जिसके अधिकतम वाले हैं? ऑक्सीकारक, जिनमें से कुछ फेमस ऑक्सीकारक आप सब जानते हो, ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ते हो और वैसे भी पढ़ते हो, जिनमें से दो नाम तो मैं आपको बता देता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा KMnO4 ऑर्गेनिक का बहुत यूज करते हैं हम इन चीजों को, और वहीं पर एक और K2Cr2O7, इन सबको हम बोलते हैं कि ये सभी के सभी क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऑक्सीकारक है। बट क्यों ऑक्सीकारक है ये तो हमने कभी सोचा नहीं। अब सब में एक काम करो, सल्फर का, Mn का और Cr2 का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे, प्लस 6 है। अभी हमने पढ़ा सल्फर की कितनी आएगी यहाँ पर, H2SO4 में प्लस 6 आएगी, और प्लस 6 अधिकतम है, यानी ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये अपने ऑक्सीकरण संख्या कम करने की कोशिश करेगा, तो यानी 7 वाले का क्या करेगा, बढ़ाएगा ना या घटाएगा? सर बढ़ाएगा, खुद का क्या करना चाहेगा, रिडक्शन करना चाहेगा, अपचयन करना चाहेगा, ठीक है। तो जिस भी क्रिया में जाएगा, आगे बात समझ में नहीं आई, ठीक है, तो अधिकतम वाले तो क्या करेंगे, फिर वहीं पर जिनका न्यूनतम है यानी मिनिमम है, एक बात बताओ, जिनका मिनिमम है, कम से कम है, क्या वो और कम जा सकता है? बिल्कुल सर, वो बढ़ाने की ही कोशिश करेगा, जिस भी अभिक्रिया में जाएगा वो वहां पे बढ़ाएगा ही, है ना। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, हमको पता है H2S, यहां पर सल्फर जो है क्या करेगा सर, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, और जब वो -2 है यानी कम से कम है, तो कम से कम है तो उसे अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा ही सकता है, घटा नहीं सकता, ये चीज है, ठीक है। तो जब ये बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो सिर्फ उसे क्या कर सकता है, यह अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। बिल्कुल अनिशा बेटा, इसका प्लस 7 आएगा, इसका प्लस 6 आएगा, ये इनकी क्या है, अधिकतम, कैंटी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, और जब अधिकतम है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना ऑक्सीकरण संख्या को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और जैसे ही अभिक्रिया के अंदर मेरे को दिख गया H2SO4 है, तो यानी किसी दूसरे का ये अपना घटाएगा, तो दूसरे का क्या करेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अगर कोई अपना घटा रहा है तो किसी को बढ़ाना भी जरूरी है, तभी काम चलेगा, नहीं तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी ही नहीं। और जब हम इसको सीधा सीधा बोल रहे हैं, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक तो सीधा अपना काम करेगा, अपचेन की तरह,
नहीं नहीं बेटा लिमिट होती है वो, जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर मैं आपसे बताऊंगा। ठीक है बेटा, लिमिट होती है, लिमिट ऐसे नहीं कि लिमिट नहीं होती। तो ये बात है आपको है। अब एक बात बताओ, अगर कोई बीच में है यानी ना तो न्यूनतम ना अधिकतम, तो उस केस में क्या हो सकता है सर? उस केस में मैं तो बीच में हूं, मैं कम में भी जा सकता हूँ अधिक में भी जा सकता हूँ। तो कम में जा सकता हूँ अधिकतम, मैं कैसे बिहेव कर सकता हूँ? मैं दोनों की तरह बिहेव कर सकता हूँ, मैं ऑक्सी कारक भी बन सकता हूँ और अब चेक भी बन सकता हूँ। सीधा बन सकते हैं सर? बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जो बीच वाले होते हैं वो विष अनुपाती अभिक्रिया जरूर शो करते हैं। तो विष अनुपाती अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, पहले आप इसके बारे में जानिए। ठीक है, जब अधिकतम होगा तो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीकारक की तरह। न्यूनतम होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? अपचेक की तरह। और अपचेक कौन होते हैं? जो खुद का सिर्फ और सिर्फ क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं कराते। ठीक है, इसको भी थोड़ा साफ साफ लिख दूं। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ये है, मैंने कोई, मैं तुम्हारे सामने एक यौगिक लिख रहा हूं। अब बताना कि वो यौगिक अभिकारक बनेगा या फिर उपचेक बनेगा। ठीक है, N2H2O3 ये मेरे पास एक यौगिक है। इस यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि कैसे बिहेव करेगा, कैसे इसके गुण होंगे? ऑक्सीकारक वाले गुण होंगे या अपचेक वाले गुण होंगे? तो वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, पहला काम तो आपको देखना पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है। बिल्कुल संजय बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अपचय है। यहाँ पे सल्फर का आप निकालोगे तो सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी -2 आएगी। अब -2 है तो इसका मतलब सर ये न्यूनतम है, इससे कम तो ये जा ही नहीं सकता। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसे बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। तो जब बढ़ाएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा सर? अब चेक की तरह बिहेव करेगा। वहीं पर एक और उदाहरण देखो, ठीक है, जब काफी सारे जब हम पीपल में अभिक्रिया पढ़ते हैं तब हमको ये बात से डील करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा? ये क्या होगा, अभिकारक होगा या अपचेक होगा? हम पढ़ते आते हैं, बिल्कुल पंकज बेटा, बिल्कुल सर। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अधिकतम है। और आप सबको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये थे हम ये भी याद रखते हैं, जो नाइट्रिक एसिड होता है हम क्या बोलते हैं सर? वो अभिकारक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं वो भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब एक और देखो, H3PO3 यहाँ पर ये क्या है, कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीकारक या अपचेक? बिल्कुल सही। तो यहां पर जब हम फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, वो जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो तो +3 आती है, और जो +3 आ गई सर, ना तो ये अधिकतम है और ना ही न्यूनतम है। तो इसकी मनमर्जी है कि अधिकतम की ओर भी जा सकता है और न्यूनतम की ओर भी जा सकता है। क्लियर? एक और सिंपल सा देखो, SO3 में इसका कितना जाएगा? ठीक है, तो अधिकतम संख्या के बेस पर सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा बोलेंगे सर ये तो ऑक्सीकारक है, ये अपचेक है।
ठीक है। और जब अभिक्रिया करेंगे जब हमको ऑक्सीजन कारक की जरूरत पड़ेगी तो हमको पता है कि हम किस किस को उठा सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में, मिटा दे इसको, मेरे ख्याल से काफी सारी बात हो गई। ये भी चीज आपको पता चल गई कि कैसे अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया दे रखी है और हमको पता करनी है कि वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं, वो भी हम पता कर लेंगे। दूसरा, उसके अंदर कौन सा अभिकारक है, अगर कोई रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर अभिकारक कौन बिहेव कर रहा है, अपचयक कौन बिहेव कर रहा है, वो हमको पता चल जाएगा। अगर हमको कोई यौगिक दे दिया जाए और मेरे से पूछा जाए कि वो अभिकारक की तरह बिहेव करेगा या अपचयक की तरह, तो हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या को देख कर बता सकते हैं कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब सीधा सीधा पीछे पिछले साल एक जेई मेन में क्वेश्चन आया था, उनने दे रखा था कि चार यौगिक दे रखे थे और उनमें से एक यौगिक को बोला गया था कि किस यौगिक के अंदर ऑक्सीकरण संख्या 5 है और चार ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको सीधा सीधा देखना था ऑक्सीकरण संख्या निकाल के किसके अंदर ऑक्सीकरण संख्या 5 आ रही है। जिसके अंदर ऑक्सीकरण संख्या 5 आ रही है उसको टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि फाइफा ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से भी क्वेश्चन उठते हैं। और केमिस्ट्री में यही तो खास बात है कि आपको सही नॉलेज होगी तो आप सही तरीके से उसको क्वेश्चन को डील करोगे, डायरेक्ट फटाफट देख के क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। चलो इसको मिटा दे, पक्का चलो फिर एक मैं आपको रिएक्शन अभिक्रिया दे रहा हूँ। उस रिएक्शन अभिक्रिया में, ठीक है, अभी तक मैं आपको अच्छी सिंपल सिंपल देती, अब मेरे ख्याल से आप सबको थोड़ा थोड़ा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो एक एटम बम गिरा देता हूँ, एटम बम नहीं गिराते, सिंपल सा आपका करते हैं। चलो देखो, अगर हमारे पास, मैं आपको दो अभिक्रिया दे रहा हूं, आपको पता करना है। बिल्कुल बेटा संजय, इसीलिए सब बोलते हैं केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं अगर आप सही तरीके से कर गए तो, ठीक है। हाँ, आ जाओ, अब मैं आपके सामने एक अभिक्रिया दे रहा हूँ, पहले आसान वाली दे देता हूँ फिर थोड़ा सा अच्छे वाले दे देंगे। आसान के तौर पर हमारा अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, 5 अणु किसके, ऑक्सीजन के, अभिक्रिया करने के बाद ये बना रहा है 4NO और जल। पहला काम तो आपको डिटरमाइन करना है, पता करना है कि ये अभिक्रिया है या नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। दूसरा काम, जब हमको पता चल चुका है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है तो इसके अंदर कौन सा अभिकारक है, ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचयक है, फिर उसके बाद का आगे कुछ देखें। पहले तो इसको बताओ, देखो जब ये हो जाएगा फिर आप ये वाला डील करना, कमी हो रही है, घट रही है, वो पता करना है। उसके बाद क्या पता करना है कि कौन सा अभिकारक का रिडक्शन हो रहा है, कौन सा अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। दूसरा, कम
दूसरी अभिक्रिया ये है हमारे पास, इस अभिक्रिया में देखो और बताओ हमको। ठीक है, इस अभिक्रिया में हमको बताओ कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचय हो रहा है, अपचय हो रहा है। ठीक है, पहले वाली रिएक्शन की तरफ देखते हैं। बिल्कुल बेटा सही आपका, पहले वाली में रिएक्शन में वैसे ही बताया था, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है -3 है, यहां पर 0 है, नाइट्रोजन का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, यानी सर ऑक्सीजन तो अपना घटा रहा है। ठीक है, जो घटाएगा वो अब चेक होगा। ठीक है, और ये बढ़ाएगा, क्या ऑक्सीकरण होगा इसका, और जिसका ऑक्सीकरण होता है बिल्कुल ये हमारे क्या है, अब चाय है और वो क्या बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हमारा ऑक्सीकारक। ठीक है, वो चीज हमको पता चल चुकी है इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले में। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आएगा +2। आयरन का 2 से 3 जा रहा है, और अभी तुमने पढ़ा कि MnO4 अधिकतम है, जो अधिकतम होता है वो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अधिकतम वाला तो अपने कम करेगा ही, यहाँ पे कम करके इसने 2 बना लिया। ठीक है, इसका क्या हो रहा है अपचयन, और जो अपचयन होता है वो क्या होता है ऑक्सीकारक। वहीं पर आयरन का बढ़ रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, उसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और वो क्या है अपचायक। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका बेटा। +2 कैसे निकाला, सल्फेट के ऊपर सीधा सीधा क्या होता है सल्फेट होता है H2-, कैसे इसका पूरे का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 आएगी, तो आयरन को उतना ही देना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आयरन को x मान लेना, x मान के लेना, बट ज्यादातर आपको याद रखना पड़ेगा आयरन के 2 ही होते हैं, +2 +3। ठीक है, आयरन यहाँ पर सल्फेट H2- होता है, तो आयरन के ऊपर कितना बात Fe2 पॉजिटिव, इसके ऊपर कितना आवेश है +2। वही चीज है ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको डायरेक्ट जैसी अभिक्रिया दिख जाएगी सीधा सीधा पता चलेगा किसका किसका ऑप्शन नंबर घट रहा है किसका बढ़ रहा है, फिर आप सभी का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सिर्फ और सिर्फ उनका निकालोगे जिसका आपको घटता बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी मैं इसके अंदर एक और चीज पढ़ाऊंगा जो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो सारी पिक्चर ऐसे एक ही बार में नहीं साफ करना चाह रहा, धीरे 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 साफ होना तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये भी सल्फेट है, यहाँ पर क्या है Fe3+ और SO4 2-, जब क्लोज मल्टीप्लाई करते थे तभी तो हमारा बनता था वो, ये वाला छोटी क्लासेस में कैसे बताया जाता था
जैसे सबसे छोटी क्लास में तो हमें ये बोला जाता था ये टीन है SO4 दो माइनस इसका दो इसका तीन ये बन गया हमारा ठीक है। तो उतना हमको बेसिक भी नहीं जाना बट करते वैसे है ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमको बहुत सारी चीजें देखनी है हमारे जैसे अभी की तरह दिखेगी हमको पता चलता जाएगा किस किस का जैसे हमको पता चल चुका है हमने किया मैंने फोर पढ़ा है तो हमको ये तो बात पता चल गई है कि ये अभी ऑक्सी कारक है ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे हमको किया मैंने फोर दिखेगा तो पहले माइंड में क्या घुसेगा ऑक्सी कारक। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है बेटा तो आज की क्लास यहीं पे रखें। अनिशा बेटा सौरभ गौरव मुस्कान पंकज सबको आगे बेटा चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में और पढ़ेंगे। ओके सर अब बोलो संजय सर ये जैसे सर ये के एम एन ओ फोर सर अब चाय का सर सर ये पूरा कंपाउंड केएमएनओ4 खुद का क्या कर रहा है सर अपचायक नहीं है ऑक्सीकरण है ऑक्सीकारक है यस सर ऑक्सीकारक है सर। हाँ तो सर ये पूरा कंपाउंड ही ऑक्सीकारक कहलाएगा सर। हाँ पूरा यौगिक ही ऑक्सीकारक कहलाएगा मैंने वही तो बोला ना आप जब उत्पाद अभिकारक के साइड देखेंगे अभिकारक में वो यौगिक को ही उठाएंगे यौगिक के अंदर वो कौन सा तत्व है जिसका रिडक्शन हो रहा है तो वो तत्व उसके अंदर मिल गया तो उस योगी को ही हम क्या बोल लेंगे ऑक्सीकारक तत्व को नहीं योगी को ही ठीक है सर। ओके चलो कोई डे भी तो इसके बारे में और पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में आएंगे वही इसके बारे में पढ़ेंगे ओके बेटा।